हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ और ये वेट लॉस का टॉपिक स्पेशली मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनकी बॉडी काफ़ी गर्म रहती है, उनका वेट लॉस जल्दी नहीं होता है और बॉडी के हीट की वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, यानी कि कोई भी ड्रिंक नहीं ले पाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि सुगम मुझे कोई ऐसा ड्रिंक बताइए कि मेरी बॉडी में उसकी वजह से हीट की प्रॉब्लम ना हो, मेरा पेट गड़बड़ ना हो। क्योंकि जिन लोगों को भी पाइल्स की दिक्कत है या जिन लोगों को भी पेट की दिक्कत रहती है, वो गर्म चीज़ें नहीं ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में मोशन क्लियर नहीं हो पाता है, उनको पाइल्स उभर आती है जब गर्म चीज़ें वो लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक लेके आई हूँ। ये चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जिनको भी तासीर जैसी भी हो, हर कोई इसे ले सकता है। ये पर्टिकुलर जगह का फैट बर्न करेगा आपको, आपके थाइस का फैट गलाएगा, पेट का फैट गलाएगा, थाइस का फैट गलाएगा। और यकीन मानिए, इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मैं इसे आज से नहीं ले रही हूँ, मैं इसे 2 से 3 साल से ले रही हूँ, जब से मुझे वेट लॉस करना था। और पूरी गर्मी बॉडी काफ़ी कूलिंग रहती है, वेट बहुत अच्छे से लॉस होता है। और ये पता है ये किस तरह से काम करता है? ये काम करता है आपकी बॉडी से स्वेटिंग की, जैसे स्वेट बहुत तेजी से निकालेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने पानी पिया तो ये इसकी स्वेटिंग है, ये उसकी स्वेटिंग नहीं होगी, आपकी चर्बी की स्वेटिंग होगी, यानी कि जो भी आपका मोटापा है ये उसको स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। 15 दिन लेके देखिए, फैन हो जाओगे आप इस ड्रिंक के। और जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे आगे बिल्कुल भी मेरा वीडियो ना देखे, स्किप कर दें या ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरा वाटर रेडी करना है, 1 कप 1.5 कप, जितना भी आप पी सको। वैसे मैं जो बड़ा वाला कप होता है उसे थोड़ा सा खाली जो है वो जीरा वाटर रेडी करती हूँ। तो आपको जीरा वाटर मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो जस्ट पानी डालिए, जीरा डालिए और उसे थोड़ी देर इन्फ्यूज़ होने दीजिए, यानी लो फ्लेम पे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जीरा वाटर रेडी करना है। इसके बाद आप अपना जो भी मिक्सचर जार है जिसको आप यूज करते हो वो आपको लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हरी धनिया फ्रेश जो पूरा धो वो के अच्छे से आपको लगभग 2-3 टेबल स्पून आपको यहाँ पे हरी धनिया लेनी है। आपको एक लेमन लेना है और लेमन को आपको स्क्वीज नहीं करना है, आपको इसे पूरा कट करना है, यानी स्किन सहित आपको लेना है। एक तरफ आपका जीरा वाटर बन रहा है वो मैंने आपको दिखाया है, ये आपको स्किन सहित इसमें लेना है। हो सके तो बीए निकाल दीजिएगा और स्किन सहित आप इसमें काट के डाल दीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक का टुकड़ा, बहुत थोड़ा सा डालिएगा बिकॉज गर्मी है। आप ये सोच रहे होंगे सारी चीज़ें गरम गरम है, तो एक चीज़ मैं भी इसमें डालूंगी जो इस गर्मी को इन्हेंस नहीं करेगा, कम करेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पेस्ट रेडी करना है। थोड़ा सा पानी डालना बिल्कुल भी बंद हो गया वरना जो है ये पीसेगा नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा बॉयल डाल के पहले इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा पेस्ट है वो बन के रेडी है, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 2 से 3 दिन। तो जितना मैंने आपको दिखाया था, अब आपको क्या करना है, 3 टेबल स्पून आप ये लीजिए पूरा। इसे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं करना है, ऐसे ही आपको यूज़ करना है। तो अभी भी देखिए ये बचा हुआ है मेरा, 1 से 2 दिन का भी बचा हुआ है, मैं इसे फ्रिज में ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ। देन आपको ना जीरा वाटर जो है वो इसमें स्ट्रेन कर लेना है। तो मैं जीरा वाटर इसमें स्ट्रेन करूँगी। इसके बाद इसमें आपको जो चीज़ ऐड करनी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसमें आपको ऐड करना है कुछ 15 से 20 पुदीना की पत्तियाँ। पुदीना की पत्तियाँ मैं इसलिए इसमें ऐड करूंगी, जो भी चीज़ें इसकी तासीर गर्म है ये आपके पेट को ठंडक देगी जाके, और इसका जो फ्लेवर है उसको बहुत इन्हेंस करेगी। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर काला नमक भी मिला सकते हैं। ये ना ही आपको खाली पेट पीना है, ना ही एज अ नाइट ड्रिंक पीना है। ये आपको दिन में किसी भी टाइम आप इसे पी सकते हो, कोई भी आपको नेसेसरी टाइम नहीं है। आप दोपहर में पी लीजिए, मॉर्निंग में पी लीजिए, नाइट में पी लीजिए। आप इसे अपने जो है वाटर बॉटल में अपने ऑफिस भी ले जा सकते हैं, ठंडा करके भर लीजिए। गर्म पीने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, आप इसे ठंडा करके पीजिए, हल्का सा काला नमक डाल के पीजिए।
स्वाद बहुत टेस्टी आएगा, जस्ट लाइक बना आपको आएगा, तो आप इसे पीजिए। और इससे आपका जो वेट है, जो वेट की तो मैं बात नहीं करूंगी, जो फैट है आपकी बॉडी में, वेट और फैट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेट आपके बॉडी जो है आपको स्केल पे खड़े होते हुए कम दिखता है, और जो फैट होता है वो आपके मेजरमेंट को कम करता है, यानी कमर के पास जितना भी मोटापा है उसे कम करेगा, थाइस कम करेगा। तो ये काफी अच्छा ड्रिंक है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा और जैसा भी इफेक्ट हो मुझे जरूर बताइएगा। और पीने में बहुत टेस्टी है, मैं इसे पूरा समर लेती हूँ, काफी कूलिंग रहता है मेरी बॉडी के लिए और काफी अच्छा ड्रिंक है, तो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये ड्रिंक बनाना कितना आसान है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, पीजिए। और वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।